अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हसन चौधरी एंड यू आर ट्यून इनटू समथिंग हॉट, द हॉटेस्ट रिव्यू। आमना, कैसे हैं हसन आप? सात ड्रामे आज सबको मिलके रोस्ट करेंगे। एक हफ्ता मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, एक हफ्ता इंस्टा की स्टोरी पे मैं लगा भी रही हूँ, साथ साथ लोगों को। ओ हो, आमना के लिए पपियां, आमना के लिए पपियां, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। आमना, कुछ लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। लगाने दे। कि आई एम बाइस टुवर्ड्स इमरान अशरफ। ये देखिए, तनकीद का जब इमरान अशरफ सही काम नहीं करता तो सबसे पहले मैं ही उस पर तनकीद करता हूं, आपको क्या लगता है? तो एक हफ्ते में सात ड्रामे, दो ड्रामे मैं सोच रहा हूं कि स्किप। मुझे लगता है कि मुझसे नहीं देखे जाएंगे अब। मुझे लगता है कि खुदा और मोहब्बत बहुत अच्छा ड्रामा था, तो उसी तरह अगर आपको कुछ लगता है तो हसन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अगर आप ये बात कर रही है, नो डाउट इमरान अशरफ ने भी रक्से बिस्मिल में अच्छा काम किया। जी जी जी, आप जाकर फिरोज की बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि फिरोज ने बहुत अच्छा काम किया, बट देखिए क्रेडिट ड्यू है, क्रेडिट ड्यू है इमरान, उसका क्रेडिट इमरान को देना चाहिए। स्टाइल तो है ना उनका, लेकिन हाँ इमरान एक वर्सटाइल एक्टर हैं और हर बार उनका एक 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 अपना अंदाज है और वो करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, आप भी कमेंट सेशन में बताएं कि मैं एनक में ज्यादा अच्छा लगता हूँ या एनक के बगैर ज्यादा अच्छा लगता हूँ, या बताइए आमना जो कह रही है वो ठीक है या मैं वो तो गलत है। हर तरह से अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैंने अपना स्किन केयर वाला और ताबिश के साथ पैकेज जो भी स्टार्ट कर लाइट चेक कर आमना, एक मिनट आमना, लाइट भाई पिछले शो में भी कमेंट आए हैं कि लाइट आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं यार, जरा साइड से लाइट देख लो जरा। मेरी तो वैसे ही स्किन ग्लो करती है और मैं अपने स्किन केयर आमना की स्किन के लिए पपिया। बहुत शरारती हो गए आप हसन, मैं देख रही हूँ। अब मैं ये लाल शर्टें पहन के सिर्फ आज ग्रे पहनी है। ओहो, अब आप ये तो बात ना करें जी। अब हम गेस्ट को इनवाइट करेंगे मेरे। तो हसन, कैसा लग रहा है आपको द मस्तम का ट्रेलर? पांच फिल्में आ रही, पांच फिल्में। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, इतना लोग मेहनत करने के बाद सिनेमा बंद थे और उसके बाद भी पांच फिल्में आ रही हैं। आई थिंक आमना, वी शुड अप्रिशिएट। Absolutely, हसन, I completely agree with you. ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इंडस्ट्री पैसा लगा रही है, ये लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवाम को सिनेमा घरों तक लेके आ रहे हैं। मैंने आखिरी बार शाहरुख का इंटरव्यू किया था, उसके साथ मैंने थ्रोबैक पिक्चर भी लगाई। मैंने भी उसको मैसेज किया था लेकिन उसने नहीं देखा। उसके बाद कहां है फवाद खान? हसन, बात यह है कि फवाद कहां है, अली जफर कहाँ है, शान कहाँ है? तो अब जो आ रहे हैं उन्हें कोई हमें बड़ा स्टार बनाना है किसकी और बात अपनी नई फिल्म फेयर नुमा पिक्चर्स उन्हीं एक्टर्स के साथ लगानी है। सो वी रियली विश के ये फिल्म्स बहुत अच्छा बिजनेस करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात करिए आमना। आप यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड कलर। मैंने पिछले हफ्ते की रिव्यू में कुछ कमेंट्स भी पढ़े कि आपकी ड्रेसिंग बहुत और बेहतर होती जा रही है। आज के मेहमान, आज के मेहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरा उनके साथ बड़ा, आपको पता है कि हम लोग, आपको कभी कभी नहीं समझ आता ऑन स्क्रीन कि ये लोग लड़ रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका प्यार तो हम बहुत समझते हैं। तो प्लीज 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 वेलकम इमरान अशरफ। अब जबकि आपने आते ही इमरान आपने अपनी हीरोइन का नाम ले लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये शो हम उनके बगैर कंटिन्यू करें। हाँ। तो क्यों ना आपके साथ आपकी ही तरह पुरजोश आपकी हीरोइन को भी बुलाया जाए। सो लेट्स वेलकम अमर खान। अमर खान भाई, अमर, हमें तो ये लगता था कि एक्टिंग, हमें वापस अपने कैरेक्टर्स में आ जाना चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम है। कैरेक्टर्स नहीं, असली सेल्व्स, वापस जो आप हैं, इस इन कैरेक्टर से वापस अपने सेल्फ में आ जाना। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी इनको, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होस्टिंग और ये आप बड़ा मुश्किल काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। और ये आप लोग इतना, मतलब इतने अरसे से कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगा। आप तो बड़े किया, तो आपने बड़ी आसानी से
नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी आप देखें, मैंने आपकी नकल नहीं उतारी, ना मैंने आपकी आवाज बनाई, ना मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ, मैंने तो ऐसे कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन लेकिन मजे का किया, मजे का आपका भी बड़ा मजे का, उन्होंने शाहरुख खान वाला भी पॉइंट मारा कि मेरे बाथरूम में लगी ये नहीं मारा, ये मारा था हसन, ये तो मुझे पता नहीं, अब पता चला, टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन, ये दी भी है, ये पब्लिक नॉलेज है। अच्छा जी, ये पब्लिक नॉलेज, ये शायद आमना ने ना शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था इंडिया में, इंडिया में नहीं, ये दुबई में, दुबई में इंटरव्यू किया था, तो शाहरुख खान और आमना की एक पिक्चर है दोनों की साथ में, वो आमना ने अपने बाथरूम में लगा के रखी हुई है। अच्छा, इसमें आपको, आपकी अगर कोई फैन आपके साथ पिक्चर खिंचा के अपने बाथरूम में लगाए तो आप क्या समझेंगे उस बारे में? यार मैं यही सोचूंगा कि यार बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि मुझे मुझे इतना वक्त और इतनी इतना मेरा ख्याल रख रही है वो, कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ उनके लिए, इसमें कौन सी बात है? हर चीज तो नहीं मेरा ख्याल जज की जा सकती। एक्चुअली अब जज ना करें हसन, ज्यादा चीप ना बने, इसमें कोई जजमेंट कॉल नहीं थी, सिर्फ ये था कि मैंने घर में लगाई थी, मेरी दोस्ती आमना के साथ है, आपकी और मेरी पहली मुलाकात है तो अब क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, आप बीच में बीज फुफोड़ा, अब क्योंकि आपने खुद ही दोनों ने ये सवाल उठाया, तो आपकी दोस्ती से पहले क्यों नहीं थी? देखिए कोई भी जो आपका दोस्त बनता है, क्योंकि आपने इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा जिसपे आप, मुलाकातें कभी कभी कम होती हैं, राब्तों के सिलसिले कम होते हैं, तो वो जैसे जैसे राब्ते होते हैं, सोफे के इस तरफ आपका राब्ता है तो सोफे के उस पार क्यों नहीं हो पा रहा राब्ता? कब मेरा राब्ता था हमारा, बिल्कुल हमारी, मेरा ख्याल है कि हम जब भी कभी मिले हैं, हमारी बड़ी अच्छी, हम खास करके हमारी जो जो सही हमारी पहली मुलाकात रही वो हम 23 मार्च पे हम साथ जब इस्लामाबाद में हमने, तो फिर हमने एक दूसरे को जाना और फुफो जान हमारी दोस्ती हो चुकी थी पहले तो दोस्ती है यार वो है, आप मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है। मेरे ख्याल है इमरान, दोस्ती से ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, और अभी तो हम खैर बात दमस्तम की करेंगे इवेंचुअली, लेकिन आपको तो मुबारक देनी है बिल्लू चौधरी की। यो बिल्लू चौधरी, मेरे ख्याल है पूरे मुल्क के लोगों के दिल जो है वो बिल्लू चौधरी के साथ धड़क रहे हैं, और आपने क्या निभाया है वो रोल, आई एम अ फैन, थैंक यू, बिल्लू शेर, दादा बब्बर शेर, दोनों निकिया है जंगल आधा आधा, तो थैंक यू, और मजा आपको बिल्लू चौधरी में, मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें कोई शक नहीं है, और नतीजा भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाऊ भी बहुत मजे का, बाऊ बहुत, बाऊ देखिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बिल्लू एक बॉय है, यो वो एक कारीगर है, कारीगर है, बाऊ जो है ना, बाऊ एक क्या लिखा है अमर ने उसको, क्या उस किरदार के जो बारीकियां हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्टर जो खुद एक बहुत बड़ा एक्टर है, एहतिशामुद्दीन, जिनको जिनको देख के हम काम सीखते हैं, और मेरी लक देखे, मैंने उनके साथ सबके तुम्हारे पे भी काम किया, अगर बहुत से लोगों ने सबके तुम्हारे देखा हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं याद नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक कम ड्यूरेशन का रोल था उसमें, जिसमें मैं कहता हूँ मुझे आज भी अपने उस ड्रामे का पहला डायलॉग जो मैंने बोला था याद है कि लगता है जनानियों के साथ बात करने का बड़ा शौक है तुझे, खाकसर को मुश्ताक कहते, मुश्ताक को मरना तो उसके बाद भी जब मैंने इनके साथ काम किया ना, मैंने बड़ी एक ख्वाहिश जाहिर की थी दिल में, इमेजिन जब आप ये ना वो करते हैं ना, हाँ मैंने थोड़ी सी ख्वाहिश, तो मेरा हाथ अपर थले सर मशीन, मैं पढ़ लेना, मैं पढ़ लेना एक पिच रख के ना गल करो, और तुसी खुद भी अमल कर लेना इस गलते, फिर मेरी देख के सर तुसी माइक माइक पढ़े या डंबर पढ़े इतना नाजुक सा माइक, खुदाई के समय इसको तो बंदा एमी सोचते सोचते पकड़ के हिला सकता है। अच्छा आपने बात की राइटिंग की, अब आप लोग हॉग ना करें लाइमलाइट को, अमर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस राइटिंग, आप ये बताएं कितने नर्व्स का क्या हाल है इस वक्त, पहली फिल्म एज अ राइटर एज अ लीडिंग एक्टर, क्या सिचुएशन क्या है अंदर से इस वक्त? मैंने अभी बल्कि थोड़ी देर पहले भी एक इंटरव्यू में एक बात बताई कि नॉर्मली लोग राइटिंग जब लिखते हैं तो या पैशन के लिए लिखते हैं या फिर प्रोफेशनली पैसे के लिए लिखते हैं।
सरप्राइजिंगली मैंने द मस्तम प्यार में लिखी. हाय आई वाज एक्चुअली आई किसके वाज प्यार सॉर्ट ऑफ में? गोइंग थ्रू माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक, सॉर्ट ऑफ हार्ट ओह ब्रेक दैट्स समथिंग आई डिडंट नो. ड्यूरिंग माय लास्ट सेमेस्टर अच्छा, दैट इज व्हेन आई रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट. कौन है वो जिसने अमर का दिल तोड़ा है? अरे भाई वो कहीं से भी, आपका हार्ट ब्रेक तो कहीं से भी हो सकता है. ब्रेकअप नहीं कहा मैंने, ये तो आपने ऐसे ऐसे पूछा जैसे दो डिफरेंट चीजें हैं. ये तो आपने ऐसे इस आवाज में पूछा जैसे किसी ने आपके घुटने पे रखे उनका दर्द. मुझे मुझे ऐसे ही फील हुआ, मुझे मेरा उनका हार्ट ब्रेक, हार्ट एक मेरे दिल तक पहुंचा. मुझे लग रहा है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. मुझे मेरे दिल की चुभन, मुझे गुस्सा आया आपकी रूह में. सिर्फ चेहरा नहीं, आपकी गुस्से में शर्ट लाल होगी. जी बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक. या एंड आई जस्ट रोट दैट ड्यूरिंग माय लास्ट फिल्म सेमेस्टर एक्चुअली. और फिर मैं यहाँ लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, फिल्म मेकिंग हो चुकी थी, तो आई थॉट आई शुड ट्राई माय लक इनटू मेकिंग दिस. और फिर मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसर्स के चक्कर लगाए. कुछ ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कुछ बहुत बड़े नाम थे जो फिल्म लेना भी चाहते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिर्फ फिल्म बेचना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं उसका आउट एंड आउट हिस्सा बनूं. मुझे पता हो कि क्या हो रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है फिल्म, हु आर द राइट पीपल, हाउ इज इट गोइंग टू बी मी. आई वांट टू बी एक्टिवली इन्वॉल्वड इन माय फर्स्ट फिल्म बिकॉज़ इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और फिर अगेन वो पैसा कमाने का तो शौक ही नहीं था तब, क्योंकि कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ अ फिल्म स्कूल इट्स मोर लाइक अ ड्राइव, अ डिजायर फॉर यू टू ब्रिंग समथिंग लाइक दैट. लेकिन फिर वो आई थिंक वो 2-2.5 साल की स्ट्रगल के बाद वो सब लोग आज जब मुझे मिल रहे होते हैं, यू नो, इनफैक्ट द अदर डे आई मेट नीना काशिफ एट एयरपोर्ट और उन्होंने मुझे कहा था, यू नो आई रिमेम्बर यू केम टू माय ऑफिस. और वो अपने एक कोलीग के साथ बैठी थी और मैंने फिल्म सुनाना स्टार्ट की एंड शी हैड टू रश, शी हैड टू गो टू एन अदर मीटिंग और वो मेरी नरेशन कुछ बीच में ही रह गई. और वो जो उनके साथ उनके कोलीग थे यूसुफ, उनको मैंने वो नरेट की, कुछ नहीं बना. जिस इंडस्ट्री में पैसा ही नहीं है और फिल्में बन नहीं रही, वहां पे नए बंदे पे पैसा लगाना आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी रिस्की. देन वन डे वासे चौधरी सॉ वन ऑफ माय शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर ऑन ट्विटर एंड ही मैसेज्ड मी कि मैं एक चैनल है हम फिल्म जिसको हेड कर रहा हूँ और हम हमने देखा है कि आप लिखती हैं, सो लिखते हैं आप. उनको लगा मैं कोई मर्द अमर, तो उन्होंने कहा मैं आपको नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, कैन यू टेल मी. तो मैंने उन्हें बताया कि यू नो आई ग्रेजुएटेड एज फिल्म मेकर. और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे एक शो करने आए थे हम का, तो उन्होंने मुझे एक होटल की लॉबी में बुलाया एंड तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छी चीजों के लिए भी होटल लॉबी में बुलाते हैं. तो उन्होंने कहा कि कोई फिल्म लिखी हुई है. ये तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी अगर रोक दिया नहीं, जाए तो, चीज है, पॉजिटिव चीजें भी हमें वो देनी चाहिए. तो उन्होंने कहा कि आपने फिल्म कोई लिखी हुई है, क्योंकि मैंने आपके कुछ जुमले सुने तो मुझे बड़े क्लिक किए उस शॉर्ट फिल्म के जुमले. तो मैंने कहा कि मैंने कुछ है दिमाग में, उन्होंने पूछा. तो मैंने कहा दिमाग में नहीं है, मैंने पूरा 90 पेज का स्क्रीन प्ले पेज काउंट के साथ मेरे पास बाउंडेड स्क्रिप्ट है. सो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, ही सेड कैन यू शेयर विद मी. और तब मुझे कुछ नहीं पता था. दिस इज वासे चौधरी यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, ही वाज हेडिंग हम फिल्म्स. यस, इन 2017 16 17. आई डिडंट नो, वी डिडंट नो दैट. आई डिडंट नो दैट. या वो खाली उस वक्त में कुछ इतना काम हुआ भी नहीं जब वो थे. हां तो खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि यू नो वी आई कैन कनेक्ट यू टू पीपल बिकॉज ही रेड द होल स्क्रीन प्ले एंड ही सेड दैट यू नो आई थिंक यू शुड बी एक्टिवली राइटिंग. उस वक्त मैंने एक्टिंग नहीं स्टार्ट की. राइट, तो उन्होंने कहा कि मैं कल एक साहब हैं हमायूं सईद उनका नाम है और उनकी कॉल आपको आएगी और वो फिल्मों की तलाश में है, नदीम और हमायूं, तो उनसे जाके मिलिए और उन्हें अपनी चीजें बताइए, ये फिल्म हम करना चाहते हैं. तो वो खैर यू नो एट टाइम्स थिंग्स डोंट गेट डन बिकॉज़ ऑफ अ फ्यू थिंग्स. फिर क्या हुआ? And then I went to नहीं मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. मैंने कभी शेयर नहीं, मुझे नहीं पता, ये मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की. आई वेंट टू हमायूं सईद हाउस, इट वॉज अ वेरी वार्म वेलकम. नदीम वॉज देयर, हुमायूं वॉज देयर, इसी तरह एक सोफे दो आमने सामने थे और उन्होंने कुछ मेरे बारे में पूछा चीजें ये वो सारा. तो उन्होंने कहा वासे ने आपकी बहुत तारीफ की है, तो क्या है कुछ कुछ सुनाएं बस. और मैं शुरू हुई और मैं 2.5 घंटे तक सुनाती रही
एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दैट दिस वाज अगेन द मस्तम, द मस्तम आपने, उसका नाम पहले इश्क टॉकीज था बट सेम फिल्म, सेम फिल्म, या द सेम फिल्म, द सेम फिल्म एंड दे वांट टू मेक इट बट अगेन बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात है कि जो जो आपने अभी बात कही कि एक नए फिल्म मेकर पे कोई क्यों बहस, अगर उन्होंने उसी वक्त कहते बड़ी, तो हुआ क्या फिर, क्यों हुमायूं ने नहीं बनाई? अच्छा नहीं, उस वक्त क्योंकि हुमायूं एक और फिल्म को लेके जा रहे थे आगे, उनके पास दो और फिल्म थी, इनफैक्ट एक नहीं थी, तो एक मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कब बनेगी कब नहीं बनेगी, दूसरा इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई वॉन्ट टू मेक इट माई सेल्फ एंड क्योंकि वो दो पहले फिल्मों को और भी बना रहे थे, तो मैंने उनको उसी वक्त कहा कि ये रहने दें, ये तो वासिर ने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको सुना दी कहानी, ये मुझे खुद बनानी है शुरू से, सो आई कैन राइट अनदर स्क्रिप्ट फॉर यू। और इनफैक्ट करते हैं आपकी आपकी गैर मौजूदगी में हुमायूं भाई ने आपकी राइटिंग की बहुत बड़ी बड़ा सीरियसली लेते हैं। इनफैक्ट आई थिंक इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर यू विल बी सीइंग माय फिल्म विद देम आल्सो, क्योंकि मैंने एक और फिल्म उनके लिए फिर बताने का मकसद ये है कि एज अ फिल्म ग्रेजुएट मुझे मेरे बहुत से जो अभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कोर्सेज ले रहे हैं, वो पूछते हैं कि डू यू थिंक इट हेल्प्स, डू यू थिंक ग्रेजुएट होने के बाद इंसान को इस तरह से चांस मिल जाता है या ये फ्लूक है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोशिश करें और आपकी नीयत हो और आपके पास बाउंडेड चीजें हों and you show your seriousness, you just don't talk. The problem in this country is we all talk. Nobody sits, nobody listens, nobody writes. Writing, aapko at least ek saal to chahiye ghar baith ke ek film likhne ke liye, aur wo ek saal kisi ke paas hai nahi. So jab aap kisi cheez pe itna passionately invest karte hain, wo shayad 6 saal baad ho, wo hoti zarur hai. In sabko batane ka maksad ye tha ki jab main industry mein aayi, to these were the people who hadn't seen my इंस्टाग्राम पे मेरे 400 फॉलोअर्स होंगे, एक्टिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, सिर्फ एक फिल्म ग्रेजुएट थी, कुछ शॉर्ट फिल्म्स थी जिनका एक सीवी मेरे पास था, बट दे वेलकम्ड मी, दे बिलीव्ड इन मी, तो एंड दे लिसन टू माय नरेशन फॉर 3 ब्लडी आवर्स दैट आई वाजंट स्टॉपिंग, सो इट्स ह्यूज। आपने कहा कि हार्ट ब्रेक के बाद आपने फिल्म लिखी, तो इसमें क्या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं? नॉट एग्जैक्टली ऑटोबायोग्राफिकल, बट आई थिंक अंदरून लाहौर की है, मैंने अपना ननियाल, जैसे मैंने आपके पहले इंटरव्यू में आपके, मैंने अपना ननियाल जो है अंदरून लाहौर में गुजारा, तो ऑब्वियसली उस तरह के किरदार आपको सुनने को मिलेंगे, उस तरह का मैनरिज्म आपको देखने को मिलेगा, बाऊ और आलिया अंदरून लाहौर से हैं, कुछ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जर्नी होती है, उनका एक ग्लिम्स और टिंच जरूर पता चले कल को फिल्म रिलीज हो, हर सीन से लोग मुझे एसोसिएट करें, इस लड़की के साथ भी ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई बाऊ था जिंदगी में? आई थिंक मेरे अंदर एक बाऊ, जितनी मेरे अंदर आलिया है उतना ही मेरे अंदर बाऊ भी है। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि आलिया इज वेरी पैशनेट, फायरी, ड्रीमर, परफॉर्मर, गो गेटर, वो तो मैं हूँ, लेकिन प्यार में अगर मुझे कोई चीज रोक ले तो शायद आई कैन सेक्रीफाइस इट ऑल, सो आई हैव दैट बाऊ ऑल्सो, एंड जितना लव स्टोरीज आर अबाउट आई थिंक फॉलिंग इन लव and you actually at time things falls apart also but this story is also about rising up again and embracing with all the conflicts and all the struggles and all the whatever destiny actually kabhi kabhi kya hota hai insaan hara dete hain to aap ruk jate hain aur aap fir dobara try karte hain lekin kabhi kabhi destiny jab harati hai to aap dobara se himmat bhi nahi jutate so I think it's a very good simple yet chaotic take on love jo ki shayad aapko itna trailer mein aksar log kehte hain ki trailer mein to aapne sab kuch bata diya jaisa lagta hai humne trailer mein kuch nahi bataya humne aur abhi bhi jo isne bataya hai isne kuch bhi nahi bataya ha because of course we have to consider har dekhe mujhe agar main apni pehli film allah ne mujhe di maine karni thi matlab main nahi karta bahut arsa nahi karta script mere liye bahut important baat thi kirdar mere liye bahut important baat tha aur एक पॉइंट ऑफ व्यू अमर का है जिससे उसने लिखी है, एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर का होता है जिससे उसने सारे प्रेमिस को बनाना है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू बाऊ का मेरे अंदर भी है जिससे मैंने काम किया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा जो मुझे एक्साइट कर रहा है, जो जिसकी मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताऊंगा, ये किसी
मेरे नजदीक ये किसी ऊंचाई निचाई बुलंदी जीत हार मोहब्बत इसमें अमर की एक बड़ी खूबसूरत बात है इस पूरे स्क्रिप्ट में, उसने किसी भी चीज को ऊपर नहीं रखा. ये पैरेलल मैंने बाऊ का किरदार नहीं किया, मैंने एक पूरी जिंदगी को पोर्ट्रेट किया. वो कहानी किसी मुद्दे की नहीं है, किसी इवेंट की नहीं है, किसी इमोशन की नहीं है, सिर्फ वो एक जिंदगी, एक लाइफ है, उसके अंदर जिंदगी है. और शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमेरिका का, उसने फिल्म खुद लिखी. तराजू नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है जब आप लिख रहे हैं कि आपने खुद भी रोल करना है. तो मुझे बड़ा इसने परफॉर्मेंस का मौका दिया और मैंने पूरी कोशिश की, आपको बड़े कुछ मजे आएंगे उसके अंदर, उस फिल्म के अंदर. आप दोनों के लिए सवाल है मेरा कि आप दोनों जब फिल्म बननी शुरू हुई कितना, एक डेढ़ साल पहले, दो साल पहले बननी शुरू हुई, उसके बाद आपने भी टीवी पे काम किया, कितनी टेंशन थी कि हर काम जो है वो अच्छा हो, उसका फीडबैक अच्छा है, हमारी जो एक टेलीविजन पे रेटिंग है वो ऊपर रहे तभी फिल्म अच्छी करेगी, अगर हमारी डिप करेगी तो फिल्म पे बुरा असर होगा, वो कितना मुश्किल था. अच्छा, आपस की बात है, मैंने अपने दो हाईएस्ट रेटेड ड्रामास फिल्म के बाद दिए. मैं वही कह रही हूँ ना कि वो तो मेरे पे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था. इनफैक्ट नहीं, बट उनके हाई रेटिंग आने से पहले कितना प्रेशर था. इमरान ने भी हिट्स ही दिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर उससे पहले कितना. एक मैं छोटी सी बात ये इमरान ऐड करना चाहूंगा और अमर आप भी, दम मस्तम से पहले का जो आपका करियर ग्राफ था माशाल्लाह, जो आई थिंक उस वक्त तक भोला आ चुका था, बट रक्से बिस्मिल जिस लेवल पे ऑब्वियसली माशाल्लाह जो आपको सक्सेस मिली वो दम मस्तम के शूट होने के बाद आया, कोविड टाइम्स में आया. देन ऑफ कोर्स यू नो नाउ वी हैव गॉट बज़ात एक्सट्रीमली पॉपुलर अगेन, और फिर अब चौधरी एंड सन्स. तो वो जो एक डायनामिक है माशाल्लाह करियर पॉइंट ऑफ व्यू से टीवी में, यू नो बीइंग अ टीवी सुपरस्टार अगेन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने फिल्म करनी है, और आपने तो क्योंकि लिखी भी पहले से थी, फिर आप टीवी पे भी काम करनी थी, तो ये टीवी और सिनेमा की जो एक आपस में क्या कहना चाहिए कि लाइन है दोनों के बीच में, उसके बारे में कभी मैंने सुना है. जब मैं लोगों से ये सवाल पूछता हूँ तो सबकी इसके ऊपर बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी पक्की राय है कि बहुत बड़ी लाइन है इसके बीच में. लेकिन मैं एक वो एक्टर हूँ जो जिसके लिए सीन इम्पॉर्टेंट है, वो सीन चाहे टेलीफिल्म का है, वो सीन चाहे सीरियल का है, वो सीन चाहे फिल्म का है. मेरी ताकत, मेरा जोर, मेरी क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा ही बात कर रहा हूँ, मुझे अभी वजाहत भाई ने भी मुझे ये बात की, पहले तो ये कि वजाहत भाई आई लव यू फॉर चौधरी एंड सन्स एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सैयद वजाहत हुसैन, थैंक यू दिल से थैंक यू कि आपने मुझे और तरह से काम करवाया. बात क्या कर रहे थे हम, मुझे जरा याद. बहुत लोगों ने आपको ये कहा कि सिनेमा और टीवी के बीच में ऑब्वियसली एक लाइन है. मेरा एक सीन, जब मैं सीन कर रहा होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द वो सब लाखों लोग खड़े हुए मुझे देख रहे हैं. मैं एक सीन को क्रिकेट मैच के ऑफ आखिरी ओवर की तरह समझता हूँ कि अगर मैंने शॉट नहीं मारा तो इन सब दिल टूटेंगे. तो मैंने तो काम हमेशा उनको सोच के किया है. और फिल्म में क्योंकि मैंने सबसे ही सुना हुआ था कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए तो एक्टिंग एक्टिंग होती है, तो यकीनन मैंने एक स्टेप इसमें ज़्यादा सोचा है, एक स्टेप ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए की है. क्योंकि मुझे पता है कि आप जब सिनेमा में किसी को कह के लेके आएंगे कि यार इमरान की फिल्म देखने के लिए जाना है, तो यार जब आप बाहर निकलेंगे ना तो आप किसी को कह सकें कि हाँ यार कहा था ना फिल्म देखने चलते हैं. तो मेरी थॉट कुछ और, मैं अपने ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होता हूँ, अब वो मेरा एक एक्सप्रेशन हो या वो मेरी पूरी फिल्म हो, मेरा जो काम करने का तरीका है वो एक ही है. वो लेकिन आई थिंक जस्ट टू ऐड मोर टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एहतशाम भाई का और अदनान सिद्दीकी साहब का खास तौर पे हम दोनों को लेके एक कंसर्न भी था दैट यू नो आफ्टर योर फिल्म यू गाइस need to reconsider your decisions कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. After the film. हाँ, क्योंकि आप फिल्म रुक गई. अच्छा अच्छा, हाँ, during that time के जो ठीक है. They were specially, और फिर क्या है कि इमरान की और मेरी सक्सेस और फेलियर सिर्फ मेरी नहीं रही, वो उनकी भी बन रही. उनकी भी बन रही. वही तो माशाल्लाह उनको सक्सेस ही मिली है फिर. वो तो फायदा ही हुआ. लेकिन सर वो जो एक तो अदनान भाई की सबसे
अच्छी बात यह है कि वो जितना इन्वॉल्व रहे हैं ना, मैंने नहीं देखा कभी किसी को, कभी नहीं, कभी किसी प्रोजेक्ट में नहीं आया। देखा नॉट एज एन एक्टर, अपने नॉट वो अपने प्रोजेक्ट में भी नहीं, मैं स्पेसिफिक उनकी बात करूं इस पे इतने रहे। और दूसरी बात ये, मैंने कहा ना कि लक मेरे बहुत साथ थी कि मुझे एहतशामुद्दीन मिल गए। एब्सोल्युटली मुझे एहतशामुद्दीन मिल गए और उन्होंने, बस लकी हूँ मैं, आई एम वेरी लकी। मुझे वो अमर की बात नहीं भूलती ट्रेलर लॉन्च पे। मैं हमेशा अमर को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, दोबारा करूँगा कि अमर ने जिन खुले दिल के साथ, खुले अल्फाज के साथ ये बात कही है तशाम भाई के बारे में कि फ्रॉम अ माहिरा खान टू एन अमर खान। मुझे बड़ी वो बात अच्छी लगी। जब हमने फिल्म स्टार्ट की तो इमरान वाज अ ह्यूज स्टार। भोला आप पिछले 20 साल देख ले, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा किरदार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रेजिंग माई हीरो, आई डोंट थिंक मेरा इसके साथ रिलेशन है वैसा कि मैं इसको बटर करूं या कुछ भी करूं। आई जेन्यूनली बिलीव दैट। मुझे नहीं लगता पिछले 7-8 साल में इतना वर्सेटाइल पाकिस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा सुपरस्टार है जितना वर्सेटाइल इमरान है। यार ये तो मेरे पे बहुत प्रेशर था, मेरे पे बहुत प्रेशर था। एंड अगर आपको दम मस्तम थोड़ी सी भी पसंद आएगी और मेरी परफॉर्मेंस पसंद आएगी, हमारा आपने ऐसा ऐसा सीन किया हुआ है आपने, आई थिंक उसका भी क्रेडिट इनको जाता है बिकॉज आई वॉज वेरी अवेयर कि मैं किसके सामने एक्ट कर रही हूँ। अबाउट इट शाम भाई, जब एक नई लड़की हो और उसके पास ना टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की फॉलोइंग हो, नंबर्स हो, ना उसके पास कोई ट्रेंडिंग हो, ना वो कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार हो, जस्ट अ बिगिनर हो, और वो आपको अपना स्क्रिप्ट सुनाए, और वो आप जब स्क्रिप्ट एंड हो तो आप ये नहीं कहें कि स्क्रिप्ट अच्छा है या बुरा है, आप ऑलरेडी बताएं कि फलां लोकेशन पे फलां सीन होगा और तुम लोगों का ये डिमीनर होगा। तो हम पहला सीन कर रहे थे दम मस्तम का, सबसे पहला लक्ष्मी चौक के एक सिंगर स्क्रीनर सिनेमा में। सिनेमा यार कितना अच्छा सीन है वो, बहुत अच्छा सीन है। आप ना याद कीजिए, जब आएगा ये देखना, आपने याद करना है, मुझे याद करना है, ठीक है? और उस दिन हमारा दिन में सिर्फ वो एक सीन लाइंड अप था क्योंकि फिल्म में हम कमी वो करते हैं, और रात के वक्त कुछ शॉट्स थे जो बाहर के करने, और ये मुनसर है 23 घंटों पे, ये सिर्फ 23 घंटे का शूट, ये सिर्फ जो है। अब मेरी जिंदगी का, मेरी पहली फिल्म का पहला सीन, पहली फिल्म एज ए राइटर भी ना सिर्फ एक्ट्रेस, और हमने वो पूरा दिन वो सीन किया। जब वो सीन तो जो सिनेमा की सीट्स के आगे एक जगह होती है ना छोटी सी स्क्रीन के आगे, ऑल डार्क, वहां पे श्याम भाई का मॉनिटर पड़ा था, पूरा दिन वो वहीं बैठे रहे, सीन डायरेक्ट करते रहे। जैसे ही सीन खत्म हुआ तो सारे दौड़े अगली लोकेशन की तरफ, एवरीबडी वॉज पैकिंग अप एंड एवरीथिंग। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इवन टिल माई लास्ट ब्रेथ। ही केम टूवर्ड्स मी एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, चलो भाई ये तो हो गया, साई ऑफ रिलीफ, एंड ही सेड अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया। एंड देन ही वेंट एंड ही केम बैक एंड ही सेड, तुमने जिस तरह से सोचा था उस तरह से हो गया ना, बड़ी बात। अच्छा अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि एक डायरेक्टर एक राइटर से पूछ रहा है, मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगा, या एक डायरेक्टर एक एक्ट्रेस से पूछ रहा है। इट वॉज समथिंग एल्स बिकॉज आई फील, एक छोटी सी मिसाल है, कभी कभी आप घर में बचपने में कोई चीज विश करते, कोई एक कह लें खिलौना चाहिए, आप अपने माँ बाप को अपने बड़ों को कहते हैं आई विश फॉर, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और फिर एक दिन वो आपको आके खिलौना दिखाते हैं और कहते हैं क्या ये खिलौना चाहिए था। तो आप उनको थैंक यू नहीं कहते क्योंकि आप उनको थैंक यू कह ही नहीं सकते। आई थिंक दिस इज द बिलीफ, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द बॉन्डिंग आई शेयर विद एहतशाम भाई। तो वो जो मायरा वाली बात थी कि फ्रॉम मायरा खान टू गेस्ट एंड अमर खान, ही वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इतना मजेदार आदमी है ये, मैं बड़ी आपको मजे की बात बताता, बड़ी ये एक फनी बात भी है, और मुझे माफ कर दीजिएगा तशाम भाई, मैं सॉरी मेरी बात बता रहा हूँ। क्योंकि हम थे एक होटल में, तो मैं सुबह 5 बजे जाके उनका दरवाजा खटखटाता था, क्योंकि सुबह जो सीन्स थे उसके बारे में मैंने उनसे पूछना होता था, तो बेचारे नींद में होते थे लेकिन फिर भी दरवाजा खोल के ना तो कहते थे हाँ, मैं अच्छा भाई आप सो रहे हैं, नहीं नहीं आजा आजा आजा। तो एक वो वक्त, एक दिन क्या हुआ, डिजाइनर ने मेरी शर्ट, शॉट रेडी है सुबह, यानी कि हमने सुबह सुबह उठ के पहला शॉट करना, तो शर्ट मुझे तंग आ गई है। अमर पता नहीं आपका कुछ, आप आपकी वो नानू बीमार थी, आप थी नहीं और अदनान भाई भी नहीं थे, तो मैंने श्याम भाई का दरवाज़ा नॉक किया और मैंने कहा यार श्याम भाई शर्ट मुझे तंग आ गई है, वो तो वो क्या करेंगे अब सुबह शूट है, मैं इतना इंपॉर्टेंट सीन है और ये वो, और एक बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ, उन्होंने वैसी ही शर्ट पहनी भी है
जो उस कैरेक्टर में चाहिए। तो खड़े खड़े मुझे देख रहे हैं अपनी शर्ट उतार दी, कहते ये पहन। अब एक डायरेक्टर ने शर्ट उतारी और हीरो कमरे में खड़ा हुआ है, उसने वही शर्ट पहनी है और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने शीशा देखा है, मैंने कहा हाँ, तो कहते प्रॉब्लम क्या, जा जा के सो जा। मैं कहा यस, इसी में करेंगे। अच्छा, और बड़ी मजे की बात ये कि एहतशाम भाई ने इनके लिए और मेरे लिए, हम अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे, कुछ शॉपिंग उन्होंने रेडियो से और लंडे से जाके मेरे लिए और इनके लिए की है। कुछ स्वेटर, कुछ मफलर उस तरह के हमें चाहिए थे, जो कि शायद एक स्टाइलिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो वही करेगा ना, जो रिसोर्सेज, जो ब्रांड, जो वो है। फिल्म के लिए यू हैव टू लुक बिलीवेबल। सुबह सुबह सेट पे आ रहे हैं तो गाड़ी में एक बंदा गाड़ी में बैठा है, मैं पीछे, तो इशारे कर रहा है घर में, कह रहा ये चल रहा है। तो एहतशाम भाई यार क्या आदमी है, क्या लेकिन एक और एहतशाम भाई की बात हुई है तो एक और मुझे किस्सा आज जरूर शेयर करना है। अगेन आई थिंक ये एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप से बहुत आगे की और बहुत बड़ी बात है। इमरान का और मेरा एक सीन है फिल्म में जिसमें ये बाइक चला रहे हैं, मैं इनके पीछे बैठी हूँ। अब वो हमारे पास कुछ नहीं था, एक ऊपर स्टडी वो हेलीकैम है जो हमें फॉलो कर रहा है, आगे एक कैमरा लगा हुआ है, तीन कैमरास पे वो शूट हो रहा है और बाइक पूरे एक बिजिएस्ट केनाल रोड के ऊपर से गुजर रही है और हमें थर 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 अपनी लाइन्स बोलनी है। ये नॉर्मली हाइड्रोलिक होते हैं जो बाइक कैरी करते हैं, बट दे वांटेड इट टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड वो कट्टे मारता हुआ लेके जा रहा है। तो इस तरह के सीन्स मुश्किल होते हैं शूट करना। अब हम एक वो केनाल रोड के नहर के पास एक जगह पे हम ढाबे के पास खड़े हैं और बाइक रेडी हो रही है और मैं उस पर बैठ रही हूँ और एहतशाम भाई पीछे से आए और उन्होंने ला के मुझे कुछ पैसे पकड़ा रहे हैं। एहतशाम भाई को देखते हैं, एहतशाम मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कहा क्या क्या एहतशाम भाई क्या हुआ? तो ही सेड देखो मुश्किल सीन है, बैठने से पहले अपना और इसका सत्ता दे। अपना सर पकड़ के बैठ गई। मेरी माँ के अलावा जिंदगी में कभी किसी ने मेरा सदका नहीं दिया। एंड ए डायरेक्टर लव्स हिज एक्टर्स सो मच, डू यू नो अबाउट दिस? अच्छा, एहतशाम भाई से पूछना है बात कि वो, क्योंकि ये मुश्किल सीन है और अल्लाह ना करे दुपट्टा आ जाए बाइक में या बाइक थोड़ी स्लिप हो जाए तेज स्पीड करते हुए और वो हमें बाइक पे बिठाने से पहले वो जो बड़ा तेज हम जा रहे हैं, तुम कह रहे हो और नेटफ्लिक्स आशिका का काम होता है, ट्राई मारते रहना। ये वो वाले सेट पर एक बात बता दूं और मैं आपको एक बात बता दूं दो तीन दिन बाद। बाय द वे, जिसको नहीं पता मेरा एक शॉर्ट है, एक सेकंड, मैं पूछने वाली थी यार आपका डायलॉग ही है, इमरान से पूछने वाली थी और अमर से कि आपकी फिल्म में सुना है बहुत बहुत ही खास कैमियो भी है किसी का, जिसकी मैंने ख्वाहिश भी जाहिर की, मैंने इनसे कहा, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, देखिए और लोग भी हैं और बहुत लोग भी हैं उसमें और भी हमारे दोस्त भी, लेकिन इनको मैंने पर्सनल फोन किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज हसन भाई, मैं चाहता हूँ कि आप इस सीन में हो और इनका और भी हमारे बहुत से साफी है, बड़े जबरदस्त रोल सबने किए हैं, लेकिन जिस तरह का सवाल ये शो में बैठ के करते हैं, इन्होंने बाऊ से भी फिल्म में किया है और आपको मजा आएगा और बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया। तो अब चाहे आपके नैचोस महंगे हो जाएं, पॉपकॉर्न महंगे हो जाएं, सिनेमा की टिकट महंगी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन चौधरी जो हमेशा डिजिटल पे आके आपके दिलों पे छाए रहे हैं, वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और जुमला भी बोल रहे हैं। प्लीज उनको देखने के लिए जरूर आएगा, हमें देखने के लिए नहीं दिया है तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही, बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई। और मुझे तो ये भी पता चला कि आपको भी ऑफर हुआ था, आप क्यों नहीं आई? मैं नहीं गई, आपने कॉल नहीं किया। नहीं नहीं, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था। लेकिन मैं जो ऑब्वियसली एक्टर का काम है, एक एक्टर ही बेहतर कर सकता है और हम सोफे पे बैठ के क्रिटिक करते हैं, वो अपनी जगह है। मैं इमरान के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, जब वो हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो मैं इमरान वो स्टैंड एंड इमरान इज ऑब्वियसली द हीरो ऑफ द फिल्म, ऑब्वियसली राइट, एंड आई एम देयर एंड आई एम जस्ट देयर एज अ लाइक यू नो एज अ जर्नलिस्ट, आई एम सपोज टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी ब्रीफ काइंड ऑफ एन अपीयरेंस, प्रोबेबली आई थिंक नॉट इवन मोर देन 30 सेकंड्स ऑल्सो, लेकिन सिर्फ स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, एंड आई एम जस्ट वॉकिंग एंड कमिंग,
सो वॉट इमरान डिड वॉज कि पीछे से ना मेरी कमर से पकड़ के ही ब्रॉट मी क्लोजर टू हिम, ताकि मेरा फ्रेम चेहरा जो है ना फ्रेम शॉट में में आए. आए या इट वाज सो वेरी स्वीट. वेरी स्वीट ऑफ हिम. अरे नहीं सर, आप कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिकॉज मुझे नहीं पता कि कैमरा किधर क्या है, तो ये कैचअप डाल के खाना है क्या? पीछे कमर से ना मेरी रोल हो रहा है फिल्म का, मतलब शूट हो रहा था, ये जस्ट पुश पुश तो मी फिर पुल सही लोग कहते हैं कि आप कबायस हैं इमरान के लिए, तो वो है ना फिर. लेकिन आप ना, वक्त बहुत जालिम चीज है, ठीक है, मुझे आप बहुत पसंद आने लगी हैं दिन ब दिन. नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताए, ऐसा मुझे देखिए, आप पता नहीं आपने ये बात नोट की है नहीं, की मैं आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ जी, मैंने ज्यादा आपको देखा है. आई होप अमर ने ज्यादा मुझे देखा हो. आई विश नॉट. मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ. प्लीज, आपने मुझे पूछा मैंने क्यों नहीं वो रोल किया, मुझे भी कहा था कि वो बहुत से जर्नलिस्ट हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप है, मुझे नहीं पता. नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बहुत कहा गया था कि आप करें, तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगी. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप करेंगी, क्या हर्ज है इसमें? मैंने कहा इसमें दो हर्ज हैं. पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा बन गई और मुझे फिल्म अच्छी लगी, जेन्युइनली अच्छी लगी, तो लोग कहेंगे यार आप फिल्म का हिस्सा हैं इसलिए आपको अच्छी लगी, आप बायस्ड हैं. और अगर मैं हिस्सा बन गई और मुझे बुरी लगी, तो जितनी मैं खुलेपन से कहना चाहूंगी मैं नहीं कह सकूंगी. चलो, इधर मतलब है कि इस बात का मैं आपको जवाब, मैं आपकी मुश्किल, और मुझे था कि मुश्किल आसान करता हूं. अच्छा ग्रुप बन जाए. आपको लगता है कि आप मैं इस सिचुएशन में हूं, अगर मुझे नहीं नहीं सिचुएशन में नहीं है. देखें, मैं आपको बात, मैं आपकी बात का मैं जवाब दूं जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मेरा ख्याल है कि जब आप जो कि आप लोग हैं दयानतदार हैं अपने काम के साथ, जब दयानतदारी होती है ना किसी जगह पे, तो वहाँ पे ये बात बहुत बात की होती है कि लोग क्या कहेंगे. पहली बात ये होती है दयानतदारी. तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हसन साहब को, शायद मेरा ईमान कमजोर है फिर. नहीं नहीं नहीं, मैं कर नहीं सकता. नहीं नहीं, एक और बात. नहीं, मैं आपको वैसे बात कह रहा हूँ. नहीं, आपका ईमान कमजोर नहीं, आपने सही, आपने अपनी लिहाज से सोचा. मैंने आपको सिर्फ एक राय दी है कि मेरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऐसा लगता है आप दयानतदार लोग हैं. और जहां तक आपने बायस की एक बात की, मैं भी उसको एड्रेस हां हूं, मैं बायस वो पीछे से मोहम्मद ये भी लेते हैं यार. ये देखें, ये भी देखें, जब जब वक्त होता है तो क्लास में. मैं ये आज इमरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इमरान से पूछ लें, इवन इन पर्सनल कैपेसिटी इमरान का काम जब मुझे नहीं पसंद आया, मैंने फोन तक करके इमरान को बोला कि आपका काम मुझे नहीं पसंद आया. लेकिन एक दफा क्या हुआ, ये मुझे देखें, अल्लाह बड़ा बादशाह है. तो हम फिल्म की शूट पे ही थे, तो ये मुझे एक दिन, हम वैसे ही मिलते हैं, हम वैसे भी मिलते हैं, तो हम स्टूडियो के बाहर खड़े हैं, तो मेरे, अब नाम नाम अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो गया, अब वक्त चला गया, ये मेरी क्लास ले रहे हैं खड़े हुए, ये क्या किया है तुसी, ऐ की कीता है तुसी, ऐ की कीता है. खड़े खड़े वहां पे 20 लोग आए हैं और वो उसी किरदार का मेरा नाम ले रहे, भाई जान क्या काम किया आपने. मैं कहा इधर जवाब दो ब्रो, मुझे क्या कह. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी होती तो, लेकिन आप, ये एक आपकी अपनी, आपका फैसला है. आई रिस्पेक्ट योर, आई रिस्पेक्ट. हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप, मेरी एक राय है कि आप लोग दयानतदार लोग हैं. अगर आपको फिल्म नहीं अच्छी लगेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता. और दयानतदारी की एक और बात, आई थिंक इम्पोर्टेंट 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 इसलिए भी है कि जितना आमना काम ऑब्वियसली टेलीविजन पे भी हो रहा है, फिल्में भी बन रही हैं, अगर दयानतदारी के साथ वीकनेसेस पॉइंट आउट नहीं की जाएंगी तो फिर बेहतर कैसे होगा. बिल्कुल सही बात. तो वो आई थिंक जितना इमरान को मैं जानता हूँ या अमर को जानता हूँ या और लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर वेरी ओपन टू फीडबैक. तो ये तो आपको भी पता है. तो हम तो हैं, हम तो हैं, लेकिन अभी भी, अभी अभी कुछ दिनों पहले भी ये वाकयात हमारे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के साथ रूनुमा हुए हैं कि एक फिल्म है जो मुझे नहीं पसंद, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मेरे भाई को बहुत पसंद है. हर बंदे के लिए अलग अलग फिल्म होती है ना. अब अगर कोई मैं या कोई सहाफ़ी या आप जाते हैं, वो आपके टाइप की फिल्म नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसको एक हफ्ता तो दें लोगों को देखने के लिए. आपकी एक आवाज़ है समथिंग ऑट पे या किसी भी पोर्टल पे बैठ के, अगर आमना को या हसन को कोई फिल्म पसंद नहीं आती, लेकिन वो 99 लोगों को पसंद आनी है. मेरे कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है. हो सकता है आपके कहने से, आपकी एक वेट तो है ना, आपके वोकल होने का एक पावर तो है, आपने सिर्फ इतना भी कह दिया ना कि हाँ फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छा था, हाँ, आपका इतना एक्सप्रेशन भी ना हमारे प्रोड्यूसर का बड़ा नुकसान कर देगा.
तो एक हफ्ता कम से कम मेरा ये मैं नहीं, आप करें, आप अगले दिन दे। मैं आपको एक दिस बात कह वन रहा हूँ, मोर किसी का, किसी की बहुत मेहनत लगी है, ये मैं अपनी दमस्तम की बात नहीं कर रहा, मैंने लोगों के साथ अभी पिछले दिनों मैंने सुना है लोगों कहते हुए यार, मैंने कहा यार तुम गए हो फिल्म देखने, नहीं यार रिव्यू बहुत बुरा है। लेकिन ये आप लोग भी अग्री करेंगे ना, ये तो रिव्यू होना ना होना ये कोई नई होना बात तो नहीं है, चाहिए ये तो ग्लोबल एक प्रैक्टिस है। तो दुनिया में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कितना बदला है जमाना, वक्त अच्छाई की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए ना हमें, ये इसमें ये थोड़ा जो चीज शुरू से होती आ रही है वो होती तो नहीं रहनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे असर हमारा अगले दिन कर लीजिएगा, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमने बहुत मेहनत की है, बाकियों लेकिन ने नहीं नहीं किया। जो पीछे हुआ है, जो पीछे हुआ है, जो पीछे होता गया है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई थिंक वी आर दी ओनली टीम हु इज नॉट जस्ट प्रमोटिंग दम मस्तम, वी आर प्रमोटिंग एवरी फिल्म वो अलोंग विद चक्कर अस। है, वो पर्दे में रहने दो, है घबराना बल्कि नहीं मैंने है। तो एक टीम में दे, आई एम सॉरी, ये मेरा एतराज है, मैंने एक टीम का एक शो देखा जिसमें एक, अब मैं खुल के नहीं नाम लूंगी क्योंकि मैं नहीं ले नहीं सकती, एक पता चल जाएगा, एक्टर बोले थी जो जो कह रही थी कि मुझे सिर्फ अपनी फिल्म का नाम आता है और एक और शायद सैयद नूर की फिल्म का नाम आता है। क्यों, आप पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा आपकी। नहीं सैयद नूर की फिल्म का नाम तो मुझे भी याद नहीं है। बाजरे दी राखी, मुझे पता है बाजरे दी राखी, बाजरे दी राखी, और एक हमारी वो जन्नत मिर्जा जो है उनका डेब्यू है उसमें, हाँ। आप नहीं तो प्लीज प्लीज बिल्कुल देखे उस जाके फिल्म आप। का हाँ नाम आपको पता होना चाहिए और अपनी फिल्म का नाम भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में 5 ही फिल्में आ रही हैं, करोड़ नहीं आ रही, अगर सबका नाम नहीं पता तो पता नहीं ये पन इंटेंडेड है या क्या है, लेकिन इस वक्त एक दूसरे को डैमेज नहीं कर रहे, ये तो अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैंने बात आप लोगों को ये, बुरी तो लगी हाँ बात, मैंने सिर्फ एक हाँ छोटा सा मैसेज दिया कि थोड़े दिनों बाद हम मुझे लगता है, मुझे हम लगता है बॉक्स ऑफिस को थोड़ा फिल्म को ठीक कड़ा है होने के लिए ठीक थोड़ा है सा एक ठीक ये है। दरकार है, तो ये का सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के केस में जी ऑब्वियसली मैंने और मैं आमना शर्मा ने, भी वैसा खड़ा नहीं हाँ, हुआ ना। क्योंकि बाकी तो इंडस्ट्रीज फ्लरिशिंग है ना। नहीं मैंने और आमना ने ये जी मैं आ रहा हूँ जी आप मुझे से तार मुझे खेलते हैं। रोजा खुलने वाला है, कितने दिन, चार सुने मिनट रह गए। मैंने मुझे 10 मिनट है मेरे ठीक। आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग कमेंट्स, नहीं फिल्म पे क्वेश्चन? बात हम नहीं, फिल्म पे बात है, ट्रेलर बहुत अच्छा है आपका, बहुत मजे का है और लग रहा है जैसे कि बहुत एक रोमांटिक, लाइट हार्टेड, म्यूजिकल टाइप ऑफ फिल्म है। सब कुछ है, आप जो लग रहा है बाउंस वो है नहीं, एक मिनट, जो लग रहा है वो है नहीं। आपसे मेरा सवाल है कि आप बिल्लू को बाऊ में से कैसे निकालेंगे, या बाऊ दोनों में से बिल्लू, मतलब वो ओवरलैप करेंगे नहीं नहीं कैरेक्टर्स के बिल्कुल नहीं, नहीं? नहीं 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 नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने 70 कैरेक्टर उर्दू एक्सेंट में किए हैं, तो सब अलग है ना, सब की इमरान, कैन अपनी। आई आंसर प्लीज ऑन योर बिहाफ आफ्टर दिस मी, क्वेश्चन? आफ्टर मी। प्लीज तो ये अच्छा वैसे बात है जमीन कि अगर एक एक्सेंट पंजाबी एक्सेंट है, से आप खाली एक्सेंट की बात नहीं 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 करती। वो तो नहीं कोई और, बिल्लू इज ब्रो, बिल्लू इज हाँ यो, तो बाऊ तो मेरी बात सुने ऐसे तो ना करे ना हाँ बाऊ। बाऊ के ट्रांसफॉर्म, अरे अमर थैंक यू, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो सवाल ऐसा ही है जैसे कि कोई मुझे ये कहे कि तो दिल का क्या हुआ और रक्से बिस्मिल में क्या फर्क है, फर्क जमीन आसमान का फर्क है, तो ये निकालना तो तब होता जब डालना होता है। ये तो मेरा ख्याल है बात ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं है आती कोई, नहीं इतनी है। ये तो बात ही नहीं है कोई, ये तो इस सवाल का अमर मेरा ख्याल है कोई, ये तो ये लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हम। आई हाँ थिंक अब देखें, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में आयुष्मान खुराना है, हाँ उन्होंने कोई 5 मुख्तलिफ फिल्मों में चंडीगढ़ के पंजाबी लौंडे का रोल किया। अब इमरान की बात को काट के मैं इसलिए इंक्लूड करना चाह रही थी, वो तो सिर्फ एज एन एक्टर टोनैलिटी और उन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है दोनों किरदारों का। हाँ दिस इज योर ब्रो, नॉट इन अ फ्लो, और वो तो मिजाज, बेचारे, और और वो तो उसका ये दिल जो कोई और बाऊ है, है और उसकी बैकग्राउंड भी उसकी फर्क है। मोहब्बत करने का बाऊ तरीका और है। नहीं, ना सिर्फ बैकग्राउंड हसन, प्रोफेशन, जर्नी, कॉन्फ्लिक्ट्स, चा, जेब, एवरीथिंग इज डिफरेंट चाहत, इंटेंसिटी ऑफ नहीं, दिस इज पोल्स, मतलब आप हो गए सोचो। कन्विंस, हो गए हो गए हो गए वो हो गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाबी मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल को, ये तो अब उन्होंने पूछ लिया है, आप आए जाएंगे कहीं इंटरव्यू में तो ये तो सवाल भी ना पूछे, ये तो और आप सोचे भी ना इसका, ये तो मतलब ये सवाल को ये सवाल ना पूछे। हाँ नहीं नहीं है ही नहीं, क्योंकि होता मैं जवाब दूं कि मैं ये करूं, मुझे पता है। अरे मैं तो पहला एक्सप्रेशन कोशिश होती है दूसरे से ना मिले मेरा। वाह वेरी गुड। मगर एक अच्छा है आपसे, मुझे आपने इतना हिट ड्रामा सीरियल अभी आप कर रहे हैं चौधरी एंड सन्स, हाँ आपने हसन को कास्ट ही नहीं किया उसमें, किस में चौधरी एंड सन्स में? सबसे पहले तो देखिए जी ये जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चौधरी सन्स सेवन स्काई जी एंटरटेनमेंट
अब्दुल्ला साहब, असद साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच, दे आर दे दी के उन्होंने मुझे एक ऐसा जबरदस्त प्ले दिया. सर हसन एक बहुत अच्छा लड़का है. और अहमद नान साहब से भी कह सकते हैं कि अगली जो फिल्म है उसमें भी इनका एक थैंक यू वेरी मच. मेरी जगह अगर आप हीरो कास्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज. हसन भाई लाल शर्ट भी पहनते हैं और उसमें भी प्यारे लगते हैं. देखिए लाल कॉन्फिडेंट रंग है और अगर आपको आपको लाल रंग कैरी करना आता है ना. जो मैंने कर लिया कैरी, जो आप कह रहे कैरी, आप कैरी ऑन, कैरी ऑन कर रहे हैं आप. अच्छा मैं दम मस्तम मेरे नजर में जब मैंने ट्रेलर देखा था पहले भी मैंने बोला कि दिस इज वन फिल्म दैट आई विल डेफिनेटली बी वॉचिंग ऑन ईद. मुझे ये लगता है, करेक्ट मी अमर इफ आई एम रॉन्ग, ये अंडरडॉग की कहानी है और इसमें एक नहीं दो अंडरडॉग्स हैं. एब्सोल्युटली दोनों ही अंडरडॉग्स हैं. समझ लो जो ट्रेलर देख के जो 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 समझ रहा ना उसे को एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सवाल क्या है. अंडरडॉग की कहानी जो है मुझे लगता है कि हर वो ऑडियंस के साथ ज्यादा इसलिए कनेक्ट करती है क्योंकि हर इंसान अपने अंदर भी यही समझता है यार मैं ही अंडरडॉग हूं. इसीलिए जब कोई हम स्पोर्ट्स फिल्म हिट हो, अल्लाह ना करे फिल्म फ्लॉप हो, एक चीज आज मैं ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए लेकिन आई कैन गारंटी यू वन थिंग टुडे, एनीबॉडी हू इज गोइंग टू गो टू द सिनेमा, बाऊ और आलिया, उनको अपना आप नजर आएगा. ये एक चीज है, आई कैन गारंटी. क्यों नहीं भाई, उन्होंने इतनी मेहनत की है. फॉर्मूला वर्क्स, डज नॉट वर्क्स, दिस इज नॉट इन माय हैंड, दिस इज ऑल इन द डेस्टिनी, इन गॉड्स हैंड, एंड आई एम अ बिलीवर, आई एम अ ड्रीमर, आई हैव डन माय बेस्ट. लेकिन हर वो रिलेटेबिलिटी और वो कनेक्ट इतना स्ट्रांग है कि आपको वो सर 13 साल बाद मुझे मौका मिला है, 13-12 साल के बाद बड़ी स्क्रीन पे मौका मिला है और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि सिर्फ इन लोगों की वजह से मिला है. इन्होंने किसी ने कुछ कहीं शोर मचाया, किसी ने कहीं, जब मैं नॉर्मल रोल्स में था तो ये कहते थे कि ये इसको यार इसको हम भी पढ़ते थे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स, चाहे उस वक्त में रिव्यू के अंदर मेरे सिर्फ किरदार का लिए एक बात होती थी कि ही इज डूइंग गुड. तो मुझे पता है कि इन लोगों ने एक मुझे उस जगह तक लाए हैं, तो मुझे पता था मैंने फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है. और मुझे देखें अगर आपने 12 साल साथ दिया है, अगली फिल्म में नहीं कहूँगा अगर इसमें सही ना किया हुआ तो, अगली फिल्म में नहीं मांगूंगा आपसे. इसमें एक दफा इसमें ना मुझे आपकी जरूरत है, मुझे सीरियसली आपकी जरूरत है, आई नीड यू. आप और आप वैसे भी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं तो मुझे आपकी जरूरत है, आइए प्लीज प्लीज. जब हम ब्रो ब्रो आपका भाई डरता नहीं है ब्रो. हम गाने का एक शूट कर रहे थे लड़कियां चारी का और वो हम अंदरून लाहौर में कर रहे थे, तो लोग इनके लिए रात के चार चार तीन तीन चार चार बजे बोंग पाए खदे. ओ भाई अब तो लोग फ्लैट के ऊपर से दुपट्टों के साथ नीचे भेज रहे हैं. देखिए प्यार प्यार मुझे मेरे से देखें, मैं ये उसी उन्हीं को तो कह रहा हूँ कि यार जब मैं थैंक यू अमर आपने भी याद कराया कि जब मैं शूटों पे जाता हूँ तो जो मेरे लिए आप लोग घरों के दरवाजे खुल रहे होते हैं, एसी ऑन हो रहे होते हैं, खाने आ रहे होते हैं दुपट्टों से नीचे, सब सब मैंने बहुत इस मेरे मुल्क में मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार मिला है. आपने हर चीज में प्यार लिया है. मैं फिर कह रहा हूं अगली फिल्म में नहीं कहूंगा अगर ये फिल्म सही ना हुई तो. फेयर इनफ. मैं मुझे क्योंकि मैं फिर ये बात कहूंगा कि आई एम इन टफ टाइम्स. मुझे जो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं यार फिल्म क्या है इमरान फिल्म, फिर उसी जगह पे हूँ जहाँ भोले से पहले था. इस दफा सिनेमा है, आई नीड यू. प्लस हसन आपके शो के लिए खास तौर पे एक एक्सक्लूसिव छोटा सा लीक, आपने क्योंकि अंडरडॉग कह ही दिया तो आई थिंक दो लवर्स की तो कहानी है, दो अंडरडॉग्स की तो कहानी है, दो आर्टिस्ट की भी कहानी है. ही इज प्लेइंग अ सिंगर, आई एम प्लेइंग एन एस्पायरिंग परफॉर्मर एंड डांसर. और जो इश्क किया है बाबू ने आलिया के साथ उसको किधर रिकॉर्ड यार देखो है वो. बल्कि आई जस्ट शेयर अ स्मॉल बीटीएस आल्सो विद यू. मैंने एक हमारे मुल्क में जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ नामों से मुखातिब करते हैं, एक्स्ट्रास एंड सपोर्ट एंड व्हाटएवर जूनियर आर्टिस्ट, उनके लिए बल्कि मैंने दम मस्तम का एक स्पेशल एक दो मिनट का उनको ट्रिब्यूट दिया विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी. वो इनफैक्ट हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जितनी भी मेन बैकग्राउंड डांसर्स जो परफॉर्म करती हैं यार वो क्या डांसर्स हैं सारी, नाजमाबाद से लेके कुरंगी से लेके और भाटी लोहारी से
कवर करके अपने आप को पैंट शर्ट्स में आती हैं और सारे अपने बैरियर्स तोड़ के आके परफॉर्म करते हैं. आई हैव मेड अ स्मॉल वीडियो ऑन द मस्तम सेट एक्चुअली विद देम एंड आई विल शेयर अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दैट विद यू. कि हम या तो उनको ऑर्डिनरी कहते हैं या एक्स्ट्रा कहते हैं, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा. बाय द वे ब्रो, आई लाइक योर चेन. आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम बिल्लू? बिल्लू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं ये असली देखें. जब इंसान के इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, गुरूर किसे कहते हैं बताएं आप मुझे. उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अभी अल्लाह माफ करे. बट थैंक यू वेरी मच अमर एंड इमरान, आपने वक्त दिया. आमना आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. आपने तो अपने घर में अपने घर के दरवाजे खोल के हमें बुलाया. और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं पहली दफा आमना के घर आया हूं. आमना के घर की बड़ी बड़ी पॉजिटिव वाइब है. आमना कल खाने पे चले कहीं? अफ्तारी खाने अफ्तारी अफ्तारी कराते हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मस्तम. थैंक यू वेरी मच हसन. हम तो ऑलवेज गुड टू सी यू. एंडिंग नोट पे एक लाख, अगर हम उन लोगों का जिक्र नहीं करें तो आई थिंक ये बहुत शदीद नाइंसाफी होगी. निगा जी मेंशन हो गया, निगा जी, सलमान रजा, एवरीबॉडी. बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक अदनान सिद्दीकी, अख्तर हसनैन, लोग पैसा लगाते हैं, उन्होंने जान लगाई है, उन्होंने दिल लगाया है. एंड आई थिंक स्पेशली फॉर मी, आई थिंक दिस फिल्म वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अदनान सिद्दीकी. एंड आफ्टर दिस फिल्म यू गोइंग टू सी अ ह्यूज पोटेंशियल amazing prolific producer in Adnan Siddiqui. Sir, dekhen, sorry, Salman Razak sahab. Ek minute, bhai, Salman Razak sahab. Nigar ji, hamari puri ENG team, hamare sare boys, hamara wardrobe se leke har cheez, matlab aap sab ka bhai, Amna wardrobe ke liye aapka bahut shukriya. Faiz, Faiz, tumne mere do joote ghumaye. Main sari zindagi nahi bhulunga. Main America se leke pehli dafa maine jo maine zindagi ka sabse pehli dafa mehanga joota khareeda na, ghuma diya tha. MashaAllah. Electric blue limited edition. Limited edition, bro. Limited edition, bro. This is not enough low. आप जा रहे हैं अभी फिल्म की प्रमोशंस के लिए अमेरिका, आपने नया पैर ले लिया एक. जब मेरे जैसे इंसान की महंगी चीज घूम जाती है तो वो दोबारा लेने के लिए. शुक्रिया अमर, दमस्तम अमर और इमरान, आपका शुक्रिया. आप लोग दमस्तम जरूर देखिएगा प्लीज ईद के ऊपर. जी हेलो. इसी मौके पे खुदा हाफिज़. यार बोले तो सब्सक्राइब करने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, साथ ही घंटी भी बजा दें ताकि कोई भी हमारी नई अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुंचे. समथिंग हॉट. थैंक यू वेरी मच. समथिंग हॉट ऑल द वे. बट आई थिंक सो, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, आपका नाम बहुत खूबसूरत है. लेकिन अब जब आप लोगों का इतना नाम हो गया है तो मुझे कोई आपका नाम पूछे ना कि आपका नाम क्या रखना चाहिए, तो मैं रखूंगा एवरीथिंग इज हॉट. Something hot, कि everything hot क्यों नहीं है? On that note, खुदा हाफिज़. क्योंकि ये conversation चलती रहेगी off camera. हम नहीं रुकेंगे. आप काट दें कैमरे. Thank you. आप पूरा एंड दे दें बकायदा बाद में. खुदा हाफिज़. फिर सबने कहना है कि इमरान जो है वो इंटरप्ट करता है. भाई ये मुझे जितना इंटरप्ट करते हैं भाई, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ. आप प्लीज गो इन अ फ्लो. खुदा हाफिज़.